दोस्तों, क्या आप अपने सफ़ेद बाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आप पाना चाहते हैं बहुत ही स्मूथ, सिल्की, शाइनी और ब्लैक, नेचुरल ब्लैक हेयर बिना किसी डाई को लगाए हुए? क्योंकि दोस्तों, डाई लगाने से आपको पता है बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, बेरुखे हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है। तो आप चाहते हैं कुछ ऐसा तरीका जो कि आपके बालों को नेचुरली काला करे, बाल एकदम से खूबसूरत और साथ के साथ ही बालों की ग्रोथ भी हो, बाल बहुत ही स्मूथ भी दिखे, सिल्की शाइनी भी हो। तो दोस्तों, आज का ये रेमेडी सिर्फ और आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस रेमेडी को दोस्तों आप नेचुरली तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लगातार लगाने से आपके जो बाल है जड़ से काले आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और पहले से भी ग्रे हेयर है, सफ़ेद बाल है, उसको ये कवर करेगा। तो इसको आप दो तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे। कैसा है, क्या है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो डिटेल में देखना पड़ेगा। डिटेल में देखिए। और क्या है, यह हमारा आज का हेयर डाई टोनर जो कि आपके सफ़ेद बालों को, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को जड़ से काला करेगा, नेचुरल बाल बिल्कुल जो है बाल खूबसूरत और नेचुरल हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको ट्राई किया है और इसके रिजल्ट बहुत ही ऑसम है, बहुत ही बेस्ट है। बाल बिल्कुल भी रफ नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होती है और बाल नेचुरल तरीके से काले भी हो जाते हैं दोस्तों। तो इफ़ेक्टिव है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ट्राई कीजिए। और दोस्तों, इसको रेगुलर वे में यूज़ कीजिएगा तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ट्राई कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोहे की कढ़ाई, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, जैसा रिज़ल्ट मैं लाना चाहती हूँ, उसके लिए लोहे की कढ़ाई में ही ये रेमेडी परफेक्ट आएगी। तो लोहे की कढ़ाई लेना है, फिर उसमें आपको ऐड करना है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों कहा जाता है हमारे बालों के लिए वरदान होता है, बालों में नेचुरल कलर लेके आता है, क्योंकि जब चाय का पत्ती आप बनाते हो, चाय का दाग देखिएगा बहुत ही जल्दी कहीं पर भी पकड़ लेता है। उसी प्रकार जब आप बालों में इसको अप्लाई करोगे रेगुलर वे में, तो बालों में भी एक नेचुरल कलर आएगा जो कि सफ़ेद बालों को, ग्रे बालों को कवर करता है, बालों को नेचुरली काला करता है। अब आपको लेना है दूसरी सामग्री, यह है हमारा कॉफ़ी। दोस्तों, कॉफ़ी में भी बहुत ही अच्छा जो होता है बालों के लिए वह होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन हमारे बालों को नेचुरली जो है दोस्तों कलर करता है, यानी कि जो बहुत ही बढ़िया कलर प्रदान करता है। आपको पता है मार्केट में आजकल कॉफ़ी के बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों को हेल्दी बनाता है, बालों को सिल्की स्मूथ और बहुत ही बढ़िया शाइनी बनाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पाउच कॉफ़ी का डाल दिया है। आप कोई भी ब्रांड कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं पाबंदी है कि एक ही ब्रांड का लेना है। फिर आपको लेना है इसमें अलसी के बीज, यानी कि तीसी। तीसी कहा जाता है हमारे बालों को नेचुरल कंडीशनर ऐड करता है बालों में, बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है। बालों में जैसे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से गंजेपन की शिकायत हो रही है, तो गंजेपन की शिकायत को भी दूर करता है, यानी बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, नए बाल उगाता है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच जो है तीसी यानी कि अलसी के बीज यूज़ किए हैं। आप अलसी को क्या बोलते हैं वो भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स है या फिर अलसी या फिर तीसी। और फिर अगली सामग्री आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना को फास्टर हेयर ग्रोथ सीड बोला जाता है, बालों की हर समस्या का समाधान होता है हमारा मेथी दाना के पास। फिर आपको लेना है करी लीव्स। करी लीव्स भी दोस्तों साउथ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेयर बूस्टिंग का काम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकता है। ये सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, 1.5 गिलास पानी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। जितनी भी सामग्री हमने ऐड की है हमारे बालों को नेचुरली कलर करता है, बालों को नेचुरली काला करता है, और उसके साथ साथ ही बालों को बेहद लंबा घना मजबूत करता है, उसके साथ साथ ही हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बाल को बेहद शाइनी बनाता है, नेचुरल शाइन बरकरार रखता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हमने 1 से 1.5 गिलास पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को क्या है दोस्तों, आपको अच्छे से पकाना है। पकाने के लिए यहाँ पे गैस पे डाल करके आपको पहले अच्छे से इसको तेज़ आंच पे पकाएं। जब बहुत अच्छे से उबाल आने लगे तो फिर गैस को स्लो कर दे, मीडियम से स्लो आंच पे रखिए, और फिर धीरे धीरे इसको आराम से चलाते हुए पकाना है। कुछ ही देर में देखिएगा कि इसका कलर काफ़ी बढ़िया से चेंज होना शुरू हो गया है, यानी जो आयरन की कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें नेचुरल आयरन होता है जो कि हमारे बालों में आयरन की कमी को भरपूर मात्रा में करता है, और उसके साथ साथ ही आयरन की वजह से जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरली काला हो जाएगा, और जो आपके बालों में
उसकी ज़रूरत होती, क्योंकि आयरन जो है जिस तरह से आप लोही कढ़ाई में स्टेन होता है वो आपके बालों में भी सेम स्टेन लगेगा, जिससे बाल नेचुरली कलरफुल होंगे, काले होंगे। आपको पता है जब लोहे का जंग जिसको बोलते कहीं पे लगता है उसके दाग नहीं जाते हैं, सेम यही चीज़ अब अगर आप अपने बालों पे भी अप्लाई करते हो, बालों में जो सफ़ेद बालों पे लगाओगे तो आपको इसका फ़र्क दिखेगा, बाल नेचुरली काले दिखेंगे, स्टेन उसका लग जाएगा और आपके बाल बहुत ही खूबसूरत। जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है सभी के सभी बेनिफिशियल है, लोहे की कढ़ाई में डालने से वो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से 10-12 मिनट तक उसको पकाने के बाद ठंडा किया। ठंडा करने के लिए यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था कढ़ाई के अंदर 1 घंटे छोड़ने से इसका कलर और भी जेड ब्लैक हो गया, जो कि हमें नेचुरल कलर चाहिए, बिल्कुल काला कलर चाहिए, बिल्कुल वैसा ही आ गया है। अब इसको क्या करना है, आपको छान लेना है स्ट्रेनर की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, कपड़े की मदद से अच्छे से छान लीजिएगा तो आपको देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत सा जेड ब्लैक मिला है। यही कलर की हमारे बालों की अभी ज़रूरत है दोस्तों। तो बहुत ही बेस्ट हेयर डाई टोनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। तो इस वाले कलर में आप चाहें तो मेहंदी अगर आप लगाते हैं बालों में तो अपने बालों में मेहंदी भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम सभी चीज़ों को छानने के बाद इसमें मेहंदी को डाल करके फिर से आपको उस आयरन की कढ़ाई में रख दीजिए और फिर इसको अप्लाई कीजिए अपने बालों पे, देखिएगा बाल नेचुरली काले आने शुरू हो जाएंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए दोस्तों छानने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा विटामिन ए की कैप्सूल भी इसमें मिला सकते हैं और उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। आप चाहें तो यहाँ कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों पे अच्छे सप्लाई कर सकते हैं सभी जगहों पे, या फिर इस तरीके से आपके पास अगर स्प्रे का बॉटल है, स्प्रे बॉटल क्योंकि हेयर डाई टोनर हम बना रहे हैं तो स्प्रे बॉटल में डाल करके भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल में लेकर के इस डाई टोनर को भर लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए और 1 दिन के लिए नहीं यूज़ करना है इसको, आराम से 10-12 दिन तक यूज़ कीजिए। और दोस्तों उसको कभी भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप शैम्पू करने के बाद कहीं आपको जाना है बाहर तो बाहर में स्प्रे आराम से मार लीजिए, क्योंकि पानी ही है सिर्फ, आराम से बालों में सूख जाएगा और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और आप चाहें तो ऑयलिंग रात में आराम से कर सकते हैं और अगले दिन फिर शैम्पू कर सकते हैं। तो इसको आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, रोज़ाना यूज़ करते करते देखिएगा बाल में एक नेचुरल सा कलर आना शुरू हो जाएगा, बाल आपके नेचुरली काले आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक विधि बताया आपको कि आपको कॉटन, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कॉटन की मदद से आप पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं, जहाँ पे भी आपके सफ़ेद बाल आ रहे हैं, सफ़ेद बाल आ चुके हैं वहाँ पे अच्छे से लगाएं, या फिर कॉटन की मदद से नहीं तो आप इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर करके बालों की जड़ों से लेकर के सिरों पर स्प्रे करते हुए लगाइए आराम से। मैं बोल रही हूँ आपको कभी भी लगा सकते हैं, शैम्पू करने के बाद भी, शैम्पू करने के पहले भी, तो बहुत फ़र्क दिखेगा रेगुलर वे में यूज़ करने से। 1 दिन यूज़ करने से आपको फ़र्क शायद उतना ना दिखे, जब आप इसको रेगुलर वे में यूज़ करोगे तो फ़र्क दिखेगा। ये हमारा तीसरा तरीका है, देखिए इस तरीके का हमारा जो एप्लीकेटर होता है बालों में इस तरीके का, इसमें तो ये आपके बालों की जड़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से लगाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको जो है भर लेना है इसमें और इसके ऊपर एप्लीकेटर इस तरीके से लगा देना है। इसके अंदर होल होता है, जब आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो देखोगे बालों की जड़ों में जस्ट लाइक ऑयल के जैसा लगेगा, तो जहाँ जहाँ भी सफ़ेद बाल होते हैं वहाँ पर बहुत ही आसानी से उसको कवर करेगा। और इसको आप वीक में इस तरीके से 2-3 बार करके, 4 बार करके, जब भी आपको टाइम मिले आराम से लगाइए और इसको स्टोर करके आराम से 10-12-15 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो फिर आप फ्रिज में रखें और नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर आ करके फिर उसके बाद बालों पे इसको अप्लाई करें। तो इस तरीके से करते करते कुछ दिन में ही आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों शैम्पू करने के बाद भी इसको आप अप्लाई करिए, और शैम्पू करने के पहले आप अगर अप्लाई करते हैं तो सेम डे शैम्पू ना करें, नेक्स्ट डे शैम्पू करें, या फिर आप 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, 2-3 घंटे रख करके फिर शैम्पू करें। शैम्पू करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वॉश्ड हेयर में भी शैम्पू किया आपने आज और फिर कहीं आपको बाहर जाना है या फिर घर पे रहना है तो फिर इसको अप्लाई कर लीजिए, बालों में बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने हेयर डाई टोनर लगाया है। धीरे धीरे बाल आपके नेचुरली रूप से काले आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, ट्राई कीजिएगा, आपको फ़र्क दिखेगा। 1-2 बार के इस्तेमाल से नहीं, लगभग 1 महीने में आप कंटिन्यू यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। नेचुरल तरीके से आपके बाल काले आने शुरू हो जाएंगे बिना डाई के, आपको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि कम एज में बाल अगर डाई होने लगते हैं तो बहुत कलर वाइट होने लगते हैं, तो बहुत ही जल्दी लोग डाई लगाना नहीं पसंद करते, इसलिए इसको यूज़ करके देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। ट्राई कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।